साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल कसूर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर राणा सिकंदर हयात का आबाई हल्का NA 140 है। उनसे मल्लावाला बाईपास पत्तों की पर मुलाकात हुई। पच्चीस चक में ताज़ियत के लिए हाजिर हुए और फातिहा खाने की। पच्चीस चक में जोहराने का एहतमाम था। पत्तोकी की तरफ रवाना हुए। राणा साहब, कोई एक ऐसा काम जो आप अपने चेयरमैनशिप के टेन्योर में करना चाहते हों और ना कर सके हों? सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं समझता हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था रूरल सैनिटेशन का, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ और मैं ये सोचता था कि मेरा गांव फूलनगर सिटी से सिर्फ 1 किलोमीटर पे है और वहाँ सफाई करने वाला कोई नहीं आता। और मैं बचपन से हमेशा, क्योंकि मैं 7वीं तक फूलनगर ही पढ़ा हूँ, उसके बाद मुझे एच से जाने का मौका मिला, तो मैं जो बचपन से रूढ़ियों के ढेर देखता आ रहा था वो उसी तरह कायम थे। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था कसूर का, साफ देहात का, जिसमें हमने हर गाँव से जो है वो हीप्स जो रूढ़ियों की 70 साल की थी वो उठवाई, फिर हमने एलोकेट किया, वहाँ पर कंटेनर्स दिए और कोशिश की कि 5-5 वर्कर्स यूनियन काउंसिल दे, 5 वर्कर्स जिला काउंसिल दे, तो वो कंटेनर्स आज तक मौजूद हैं। और जब हम तकरीबन आधी की यूनियन काउंसिलों में ये सफाई का निज़ाम मुकम्मल कर चुके थे, रेगुलर वर्कर्स आना शुरू हो गए थे पहला महीना ही, तो उसके बाद फिर हमें चांस नहीं दिए गया। मैं समझता हूँ वो मेरा ख्वाब है जो अधूरा रह गया, और इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला मौका देगा तो मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा। राणा साहब, अभी हम जिस सड़क से आ रहे हैं वो सड़क की जो हालत है वो आपके सामने है, क्या वजह है कि आपके टेन्योर में आप ये सड़क ना बना सकें? जी बिल्कुल, हमने आज जहाँ हमने सफ़र किया 25 चाक तक, वहाँ जाते हुए हमें जो हल्ला रोड है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई, फिर हल्ला से हंजराए कलां से होते हुए जो बाबा चाक के वाया ये सड़क जा रही है ये भी हमने बनवाई 25 चाक। क्योंकि नंबर वन तो मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी और मैं बड़ी ऑनेस्ट बातें करता हूँ, तो उसमें हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम इट इज़ हमारी गलती है जिससे, बट आप फिर ये भी समझते हैं कि 100 out of 100 काम नहीं हो सकते। तो हमने, क्योंकि वहाँ सुई गैस लेके जानी थी उस गांव में और वो गांव पब्लिक हेल्थ में था, और वो आखिरी 6 महीने में गैस की पाइपलाइन उस मेन रोड से गुजरी, और जब शहबाज शरीफ साहब पत्तों की आए तो उन्होंने इसका नोटिफिकेशन किया था। बार कैफ हमारे 5 सालों को हमने आपके सामने ज़रूर एडमिट किया है कि ये हमारी गलती थी, इसमें हम ये नियमित चौक वाली सड़क नहीं बनवा सके काफ़ी कोशिशों के बावजूद। बट अब PTI को भी तो 3 साल हो गए, तो मेरा ख्याल है कि उनके 2 साल रह गए, उन्हें भी इस तरफ गौर करना चाहिए, अदरवाइज पर इंशाल्लाह अगली दफ़ा हमारी मेन प्रायोरिटीज़ में से। उनका तो ये मौक़िफ़ है कि अभी 3 साल ही हुए हैं, 5 साल होने दें फिर हमारी कारकर्दगी पर सवाल। बिल्कुल रीअसेस करें जी, मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे यंगस्टर्स और जो जर्नलिज्म में भी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करते हैं उन्हें ये रीअसेस करना चाहिए कि आज 3 साल हो गए, एक प्रोजेक्ट जब कम्प्लीशन की तरफ जा रहा होता है ना तो तब ये टाइम होते हैं। हमारे टाइम पर जब हमारी गवर्नमेंट थी तो जिस तरह आपने ये देखा कि हल्ला फ्लाईओवर है या बल्लोकी वाला ब्रिज है या हल्ला रोड है या काफ़ी स्कूल्स हॉस्पिटल्स इस तरह के जो कंप्लीशन में थे, अभी तक उन्होंने इनिशिएट भी कुछ नहीं किया। जितने गांवों में डेवलपमेंट हो रही है वो पब्लिक हेल्थ में, ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको दूँगा ताकि आप NTV चैनल्स पर लोगों को दिखा सकें। तासर ये है कि ज़्यादातर सियासतदान तालीम के हक में नहीं और अपने अपने इलाकों में या तो कोई तालीमी अदारा बनने नहीं देते, अगर बन जाए तो उसे चलने नहीं देते और आम आवाम को दबा कर रखते हैं, आपकी क्या राय है? जी इसमें मेरा ख्याल ये है कि शायद आपकी इस बात से पार्शली मैं इतफाक़ कर सकूं, बट बड़े बड़े इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं, मैं फिर अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, बट मैं आपको इस तरह के इंस्टीट्यूट्स नेम कर देता हूँ, आपके डिग्री कॉलेज पत्तोकी से लेके
और हमारे फिर अभी रिसेंटली जो 10 स्कूल्स हमने पिक किए थे उनमें इसी तरह बुर्ज महालम है, जागू वाला चक 40 है, जंबर है, खान के मोड़ है, फूल नगर सिटी है, बगियाना कलां है, और मुझे याद है भोए आसल है। इन स्कूल्स पे हमने वर्किंग की और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे हाई स्कूल्स का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये कॉलेजेस का या हाई स्कूल का। तो हमने ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें एक साल में तादाद जो है स्टूडेंट्स की वो डबल की है। जब अगर कहीं 800 बच्चे थे और लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोलमेंट नहीं होती, हमने उनकी मिसिंग प्रोविजंस पूरी की, उन्हें साइंस लैब्स दिए, उन्हें अच्छे टीचर्स दिए, अच्छे हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेसेस दिए, अच्छे प्रिंसिपल्स दिए, उनकी मिसिंग फैसिलिटीज़ प्रोविजंस पूरी की, इलेक्ट्रिसिटी दी, साफ पानी दिया। तो उन स्कूल्स ने, मैंने आपको बताया, आप जाएँ जंबर, आप यूर जर्नलिस्ट एंड यंग पर्सन जिसे पता होना चाहिए कि किसने गलत या किसने सही किया, आप जाएँ जंबर काल और जाके वहाँ देखें और उनके हेडमास्टर से मिलें कि 4 साल पहले जब हमने इस पर काम शुरू किया उसकी क्या तादाद थी और फिर 2 साल में क्या रिजल्ट्स आए, तो आपको पता चल जाएगा। रिसेस इसी तरह ही मैं समझता हूँ कि जो मैंने 5-7 नाम लिए इनमें से किसी 25 शाख जिस गांव में हम गए हुए थे यहाँ पर भी बच्चियों का प्राइमरी स्कूल था, फिर उससे हमने मेडल किया, अल्हम्दुलिल्लाह कच्चा पक्का है, हल्ला है हर जगह। आप यहाँ पर जाके विज़िट करें और उनके नंबर्स देखें, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट में नहीं है, न्यूटली आप नंबर्स देख सकते हैं कि किसकी क्या प्रोग्रेस थी और उसके लिए किसने क्या किरदार अदा किया। एक ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें मुझे एक, हमने 6 इंटर कॉलेजेस की मंजूरी ली थी शहबाज शरीफ साहब से आखिरी साल, और क्योंकि मुझे तालीम का बड़ा शौक है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सराय मुगल हल्ला पत्तों की के सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ से चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और बाला तादाद दफ़ा मिनिस्टर रहे हैं। मेरे वालिद साहब आज तक मिनिस्टर नहीं रहे, मेरे वालिद साहब ने आज तक अगर सियासत की है तो वो एज़ ए मेम्बर ऑफ द नेशनल असम्बली की है और उनकी प्रोग्रेस आपके सामने है। बट मेरा सवाल उनसे है कि जिन्होंने आज तक यहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज पत्तों की बना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनवाया, फूल नगर बना हमने बनवाया, बट हल्ला चौधरी मुख्तार साहब पेट्रोल पंप वाले के इंतकाल पर उनके ख़ानदान से इजहार ताज़ियत की। पुरानी मंडी पहुंचकर अपनी गाड़ी से उतरे और तंग गलियों में सफ़र के लिए मोटर बाइक का इंतखाब किया। पुरानी मंडी में मलक नदीम के भाई नासिर भोला की वफात पर अहले खाना से इजहार अफसोस और मरहूम के लिए फातिहा खानी की। भेड़ियां पत्तों की में बिलाल वकास के वालदे मोहतरम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की। रोडे गांव की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर मलिक इकबाल की वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की और मरहूमा के लिए दुआए मगफिरत की। भूनी की पहुंचे और इमरान डोगर की दावत वलीमा में शिरकत की। जंबर में राणा जुल्फकार मेंबर के भतीजे की दावत वलीमा में शिरकत की।
खानके मोड़ ताजियत के लिए हाजिर हुए और दुआए मगफिरत की। परनावा बाईपास पर मौजूद अपने फार्म हाउस पहुंचे। आपके वालिद 3 बार मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब हुए, आपके चचा मौजूदा MLA हैं, आप ज़िलाई चेयरमैन कसूर रहे हैं, क्या समझते हैं कि आपका ख़ानदान सियासत में किस हद तक कामयाब हुआ? मेरे दादाजी जो हैं वो इवन दो जब हम वी केम फ्रॉम इंडिया, अब पार्टीशन हुई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ छोड़ के आए, और राणा फूल साहब वॉज़ ओनली 12 ईयर्स जब वहाँ पे ज़ेलदार बने, बट क्योंकि उनके मेरे परदादाजी की बड़ी छोटी एज में, जब सब मेरे दादाजी वगैरह छोटे थे तो उनकी डेथ होगी, फिर उन्होंने पाकिस्तान आके बड़ी मेहनत की है। ये बड़ा फॉल्स कॉन्सेप्ट है, मेरे दादाजी को सब इलाके के लोग जानते हैं, बट उन्होंने अपने बाकी सारे वसाइल हमारे पास ज़रूर थे और वो जो ज़मीनें थी हमें वो वापस आके यहाँ लौट भी हुई, बट उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने यहाँ से पैदल लाहौर तक बारह, उन्होंने हमें कहानियाँ सुनाई हैं कि वो यहाँ से लकड़ी, घी, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो गांव से शहरों में बिकती थी वो यहाँ से पैदल गढ़ पे रख के और मुख्तलिफ ज़रा से वो उन्होंने अपनी इनकम जनरेशन शुरू की शुरू में। और मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज गए, फिर वहाँ पे तालीम हासिल की, तो उससे पहले राणा फूल साहब हमेशा MP के इलेक्शन लड़ते थे और नगई सभा MLA लड़ते थे, तो ये मेरे वालिद साहब ने फिर 90 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हिम्मत की, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से लेके अगर हम आज देखें तो नकई ख़ानदान चीफ मिनिस्टर है और एक समझदार आदमी के लिए तो यही बहुत बड़ी चीज़ कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह कसूर में एटलीस्ट 65% हल्के पे डायरेक्ट असर अंदाज़ हैं, इसी वजह से हमें लोकल गवर्नमेंट में कामयाबी मिलती। राणा साहब आपके मुताबिक आवाम ने आपको वोट भी दिया और मुंतखब भी किया, आपका ख़ानदान अपने इलाके का एक मजबूत सियासी ख़ानदान है, आप क्या समझते हैं कि एक सियासी ख़ानदान होने के नाते आपने किस हद तक लोगों की खिदमत की और अब किस हद तक लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं? अगर मैं असेस करूँ फ्रॉम वेरी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू तो जी देखें, मैंने उस चेयरमैन ज़िला काउंसिल मैं पर्सनली, और मैंने कभी अपनी तनख्वाह नहीं ली, मैं पुलिस शोधा के फ़ंड में हमेशा अपनी तनख्वाह डोनेट करता था, और बहुत ज़्यादा ज़राए ऐसे होते हैं पार्लियामेंटेरियंस के पास के जिनसे वो पैसे बना सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स में भी हमने वो कभी इस्तेमाल नहीं किए, और ये हम क्लेम नहीं करते। आई वुड लाइक टू इनवाइट एवरीबडी जिन्होंने हमारे साथ काम किया है और वो सब लोग यहाँ कसूर में रहते हैं मौजूद हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश ये रही है कि हम ट्रांसपेरेंट रहें और वो काम कर सकें कसूर के लोगों के लिए जिनके लिए हमेशा वो हमें ट्रस्ट करते हैं। बट इसमें एक बड़ी काबिल ज़िक्र चीज़ है कि मेरे वालिद साहब जब दो पहले MNA रहे तो उन्हें टेन्योर मिले हैं 2.5 साल, जिस तरह आज गवर्नमेंट को 2.5 साल हो चुके, और 2.5 साल बाद अगर गवर्नमेंट टूट जाए तो कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट्स आते, 2 दफ़ा उनके साथ दिए वो, और उन्हें एक ही दफ़ा 5 ईयर टेन्योर मिला है जिस तरह मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और फिर उनमें उन्होंने जो काम किए हैं उसमें हमारे हल्के में सिर्फ 6 गाँव में सुई गैस थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 150 गाँव में सुई गैस, कता नज़र इस ताल्लुक़ से कि कहीं से हम हारे हैं हम जीते हैं। हम समझते हैं कि हम पॉलिटिक्स के अंदर उस पॉजिटिव लाइन पे रहना चाहते हैं जो शुरू से हमने की है। राणा सिकंदर हयात ऐसे क्यों हैं कि मुखालफिन के खिलाफ तकरीरों में कभी तो जारहाना अंदाज अपना लेते हैं और कभी तंज भी करते हैं, लेकिन अचानक उसके बाद नॉर्मल भी हो जाते हैं, ऐसा कैसे कर लेते हैं? देखें जी, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, पॉलिटिक्स एक सर्विस है जो आप इलाके के लोगों को देते हैं और वो जैसे बेहतर समझते हैं वो सिलेक्ट कर देते हैं, बट इसी के साथ साथ कुछ इस तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं पॉलिटिक्स में, जहाँ लोगों को विक्टिमाइज किया जाता, जो विक्टिमाइजेशन आजकल हम फेस कर रहे हैं पिछले 2 साल से, उस डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुर्बानियाँ देने से और बड़े फैसले करने से आदमी बड़ा होता है, उसमें आपको ये छोटी छोटी परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बट मैं फिर उन जो लोगों को विक्टिमाइज़ करते हैं, लोगों से ज़्यादती करते हैं, तो वो
निकोलो माकावेली हैं अपनी एक किताब में एक लिखा हुआ है कि वो जो यूज़ ऑफ स्टिक है ना, वो कभी कभी आपके मनसब को चाहिए होती है आपकी। मैं बस ना यंग एज में मेयर तो बन गया, चेयरमैन ज़िला काउंसिल तो बन गया, बट सारे ऑफिसर्स मेरे से सीनियर थे, सब लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं, बट मेरी उस सीट का भी तो तकाजा है ना कि मैंने मेरिट इंश्योर करना है, मैंने ये इंश्योर करना है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं तो फिर कहीं सख्त कहीं नरम, ये तो आपको ज़िंदगी में लेके चलना पड़ता। आम फहम ख्याल है कि सियासतदान को संजीदा होना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि सियासतदान को अपने मजाज में हंसी मजाक भी रखना चाहिए? बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है कि ह्यूमर बड़ी इम्पोर्टेंट है, और ये गलत फॉल्स फिनोमेन है कि सियासतदान को सीरियस होना चाहिए। आप शायद कैमरे में हमेशा सीरियस देखते हो, अभी एक नॉर्मल आदमी होता है, वो दोस्तों के साथ बिला तकल्लुफ अपनी वो एक्टिविटीज़ भी करता है, शरारतें भी करता है ज़िंदगी के अंदर, वो सारे काम करता है जो काम आदमी को करने चाहिए। तो मैं तो कैजुअल सा आदमी हूँ, अपनी सारी ज़िंदगी उसी तरह जीता है, और यही प्लान है कि एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, तो हर डॉक्टर इंजीनियर और फार्मर और गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह मैं भी जो मेरा दिल चाहे वो मैं कर सकने की आज़ादी होनी चाहिए, वो है नहीं बट होनी चाहिए। राणा साहब, अभी हम आपके फार्म हाउस पर हैं, फूलनगर से फार्म हाउस तक जो सड़क आती है उसकी सूरत हाल सबके सामने है, और अभी हम उस पर सफ़र करके भी आ रहे हैं, क्या वजह है कि आप अपने टेन्योर में भी उसे मुकम्मल नहीं करवा सके? सर मुकम्मल नहीं, हमने वो शुरू ही नहीं कराई। मैं उसकी सबसे बेसिक चीज़ मैं, क्योंकि मेरी शादी फैसलाबाद हुई तो मैं कभी इस रूट से मुझे वहाँ भी जाना पड़े तो मेरी बेगम मेरे से हमेशा लड़ती होती है कि आप अपने गांव की सड़क की हालत देखें, आपने सारे गांव की सड़कें बना ली। पर वो प्राइमरीली ये था, जिस तरह मैं विक्टिमाइजेशन की बात कर रहा था, कि शायद हमारे पास भी एक तो बेसिक हम ये नहीं चाहते थे कि लोग ये समझें कि इन्होंने अपने गाँव को जाने वाली सड़क बड़ी खूबसूरत बना ली और हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं। राणा फैमिली ने हमेशा नज़रियाती सियासत की, नून लीग को क्यों चुना? हमने मुस्लिम लीग को चुना जी, मैं ये बात दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने मुस्लिम लीग को चुना, जिस जमात ने पाकिस्तान को बनाया हमने उस जमात को चुना, और बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के हैं पाकिस्तान में जो हमेशा से मुस्लिम लीग ही रहे, और हम मुस्लिम लीग नहीं छोड़ सकते क्योंकि उस जमात में मिल के हमने इस मुल्क के वजूद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जंग लड़ी थी। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से कुर्बत मेरा ख़्याल है कि जब 1990 की असम्बली आई और मेरे वालिद साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीते, तो तब सिर्फ तीन लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत सके थे, मरहूम आशिक डियाल साहब थे, मेरे डैड थे, एक दो साउथ से लोग थे। तो उस टाइम जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने लगे तो मेरे वालिद साहब ने किसी डिमांड के बग़ैर उनकी पार्टी फिर दोबारा ज्वाइन की। राणा फूल साहब ऑलरेडी हमेशा से मुस्लिम लीग ही थे, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े इंस्पायर हुए कि एक नौजवान आदमी अपनी सीट जीत के आया है, उसने मेरे से कोई डिमांड नहीं की। मेरे वाले साहब ने उन्हें सिर्फ यही कहा कि आप एक दफ़ा फूलनगर आएँ और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करें, उनकी डिमांड सुने, तो वो फिर आए। और तीनों दफ़ा मेरे वालिद साहब जब MNA रहे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर को फूलनगर लेके आए हैं। अभी आपने स्टेडियम्स के हवाले से गुफ्तगू की, जो कि आप खुद भी बता रहे थे कि स्पोर्ट्स से आपको काफ़ी लगाव है, क्या वजह है कि इतने स्टेडियम्स बने हैं लेकिन अभी तक उनमें खेलों की सरगर्मियां नहीं हो रही? नहीं जी, ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कसूर के अंदर स्टेडियम बनाया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसी तरह अगर हम अपने इलाके को डिस्कस करें तो हमने फूलनगर में फ्लड लाइट्स फंक्शनल हैं, बड़ा खूबसूरत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्टेडियम है। बट ये आपकी बात ठीक है, और वहीं से खेल के अल्हम्दुलिल्लाह फहीम अशरफ पाकिस्तान की नेशनल टीम में आया। बट ये आपकी बात ठीक है कि काफ़ी इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे, 8 स्टेडियम्स हमने गांव में बनवाए, मैं गिन के आपको बता सकता हूँ कि ज़िला काउंसिल्स जो हमने बनाए छोटे स्टेडियम्स, और उसमें हमने गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगाया, कम्यूनिटी ने और एंटरप्रेन्योर्स ने, गाँव के बिजनेसमैन ने, फार्मर्स ने, हम सब ने कंट्रीब्यूशन की। दीनानाथ जिले की, खान के मोड़, जंबर और फूलनगर सिटी, फुटबॉल का मुझे बड़ा शौक है तो मैं फूलनगर में हमने एक सिटी के अंदर स्टेडियम बनाया, इसी तरह शेखम, जागू वाला, तारागढ़, खुडियाँ और शेखम इटसेल्फ, और बल्कि सराय मुगल हल्ला तक इन लोगों को फैसिलिटी खेलने की नहीं चाहिए थी, उनके लिए एक जगह हमने गवर्नमेंट की आइडेंटिफाई की, फिर उसकी बाउंड्री वॉल कराई, उसके पोल्स लाइट्स खूबसूरत करके लगाई, वो वहीं फंस गई।
अमूमी तौर पर ये बात डिस्कस की जाती है कि सियासत में झूठ के बगैर गुजारा नामुमकिन है, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे एक बड़े मेरे वालिद साहब के कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं, राणा समी खान साहब, इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल मैन। उनके दादाजी ने और उनकी फैमिली ने सराय मुग़ल जो हाई स्कूल फॉर बॉयज़ है वहाँ पे एक 25 एकड़ जगह दी और वो हाई स्कूल बनाया। तो हमने सोचा कि उससे बेहतर कोई आदमी नहीं है जो इस इलाके को रिप्रेजेंट करे। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वो मुझे लोकल गवर्नमेंट्स में, तो मुझे कहने लगे कि यार मुझे हमने बड़ी मुश्किल चीज़ में फंसा दी है ये, मैं तो इस तरह का आदमी नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ। मैंने कहा क्या हुआ जी? कहते हैं अगर लोग कहते हैं कि हमें सुई गैस चाहिए तो आपको कहना पड़ता है कि जी हाँ जी मैं दूंगा, और अगर आप भरे जलसे में कह दें कि मैं नहीं दूंगा तो सारा मोमेंटम ही इट फॉल्स अपार्ट। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि ये सारी चीज़ें वो इसलिए आपसे मांगते हैं क्योंकि उनकी डिमांड्स, और आपको यही करना होता है कि आप उनकी डिमांड्स के लिए पूरी कोशिश करें, पूरी जान लड़ाएं, और यही फिर आपकी लीडरशिप का यही काम है कि आपने किस तरह उनकी डिमांड्स को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके उन्हें सेटिस्फाई भी करना है, और जिसमें मुल्क का भी नुकसान ना हो, उनका भी फ़ायदा हो जाए और वादा भी पूरा हो जाए। बट यू राइट, इसमें वो आंसर ज़रूर है, मैं समझता हूँ कि बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की हैं जो आपको देखनी भी पड़ती हैं, सुननी भी पड़ती हैं, उनमें आँखें बंद करनी पड़ती हैं। राणा साहब, आपकी जमात मुस्लिम लीग नून PDM में मौजूद सियासी जमातें बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी में भरपूर मुखालफत करती रही, और इससे पिछले इलेक्शंस तमाम पीपल्स पार्टी की मुखालफत में लड़े। क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक प्लेटफार्म पर है? हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि 11 जमातें एक प्लेटफार्म पे हैं, और उसमें कोई नेशनल अलायंस इलेक्शंस का नहीं, वो रिस्टोरेशन फॉर द राइट ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी। तो PDM इज एन अलायंस फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ बेसिक राइट्स, जिस नारे को वोट को इज्जत दो, जिसको हम अपनी पार्टी की तरफ से हमेशा हर जगह प्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताया जो हैं वो भी सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेज, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे और कजिन्स हैं, तो मेरी फैमिली सराउंडेड है पॉलिटिक्स से और इंस्टीट्यूशन सर्विंग लोगों से। मेरे बेइंतहा कज़न गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और सारे इंस्टीट्यूशंस में अपना काम कर रहे हैं। तो ये जंग जो है, हमने इलेक्शंस अपने अपने लड़ने हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी के नज़रिए के साथ खड़ा नहीं हो सकता। मैं ये भी समझता हूँ, आज तक मुझे शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचाया, मैं इस नज़रिए के साथ नहीं हूँ कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में आज तक डिलीवर नहीं किया। उन्होंने बेइंतहा चोरियाँ की हैं। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं पीपल्स पार्टी में, एक बहुत लंबी लिस्ट है, बट मैं ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, ये मेरी पार्टी की राय नहीं है। ये मैं एज पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि मैं हमेशा इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के लिए बेहतर काम करने वालों के साथ खड़ा रहूँगा, और उनमें पीपल्स पार्टी नहीं आती। तो इट इज़ जस्ट एन अलायंस, हमारे खिलाफ पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ती, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन है, वो अपने इलेक्शन लड़ें। बट जो चीज़ें इस मुल्क में गलत हो रही हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा होगा, आप देखें सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है कि लोकल गवर्नमेंट्स इस मुल्क के चारों सूबों में नहीं हैं इस टाइम। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि सारी दुनिया के अंदर जब ये कोरोना COVID-19 फैला है, और इस पेंडेमिक में जब दुनिया के अंदर अभी भी बुरे तरीन हालात हैं, लोकल गवर्नमेंट्स ने पहली सफ़ों में, हमने कतई नज़र इस ताल्लुक से, मैंने फिर भी जो मैं कर सकता था मैंने किया, अपने लोगों के लिए उनसे अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की है। बट अगर लोकल गवर्नमेंट्स होती तो वो कितना बेहतर फाइट कर सकती थी, टेस्टिंग से ले कर उनके इलाज तक, वो बेसिक पिलर था, बेसिक टीयर था। बट ये किस किस्म की बारबेरियनिज्म है, किस किस्म की डेमोक्रेसी है, किस किस्म की टायरनी इस मुल्क के अंदर हो रही है कि जब जिसका दिल किया कि उस इदारे को घर भेज दी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड करता और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तगड़ा और स्ट्रांग होता, और किसी की हिम्मत ना होती लोकल गवर्नमेंट्स को घर भेजे, हमें लोगों ने 5 साल के लिए इलेक्ट किया था, 2.5 साल बाद हमें कहा कि जी आप घर जाएँ, कोई अदालत बातें सुनने को तैयार नहीं है, हाई कोर्ट का फुल बेंच मौजूद है और उन्होंने 6 महीने से हेयरिंग नहीं की, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमने खटखटाया, न्यूज़पेपर्स में गए हैं, 58,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को घर भेज दिया गया है। तो ये लाकानूनी जो है ये कभी तो रुक नहीं है। उसमें मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट मैं ये समझता हूँ कि मैं एज अ पाकिस्तानी ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं PMLN में होने के अलावा इस मुल्क का शहरी भी तो हूँ, मेरे इस मुल्क में वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, फैमिलीज़ हैं, लाखों लोग हैं जो मेरे पर ट्रस्ट करते हैं।
तो जो चीज़ सही है उसको सही करना चाहिए, जो गलत है उसको गलत करना चाहिए। तो आई थिंक उस सारी चीज़ों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई और फॉलो नहीं हो रही, उनको, उनके राइट्स को और उस सारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए ये PDM बना है। ये पॉलिटिकल अलायंस है, ये हमने हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया, हमने हर कॉन्स्टिट्यूशन से हर हल्के से अपना उम्मीदवार देने के लिए नहीं बनाया कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़े। तो आई डो नॉट अग्री विद पीपल्स पार्टी, दैट इज़ मेरे बस में नहीं है, ये मेरी लीडरशिप का फैसला है। तो हम उसमें हमेशा PDM के साथ खड़े रहेंगे, बट ज़ाती तौर पर आई डो नॉट लाइक पीपल्स पार्टी। राणा साहब, कोरोना वायरस की पहली लहर में आप इमरान खान की हुकूमत से ये मुतालबा करते रहे कि वो लॉकडाउन लगाएं, लेकिन जबकि अब दूसरी लहर है और अब आप जलसे कर रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इतफाक करता हूं जी, बट ये देखें कि मैं उस पहली लहर के अंदर, मुझे खुद कोरोना हुआ और मुझे बड़ा सारा दिन एक इंसान जो ख़तरों से खेल के घर जाता है, और फिर मेरे बच्चों को हुआ, मेरी बेगम को हुआ। आपकी फैमिली से ज़्यादा आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। एक महीना जब मैं उस कर्ब से गुजरा, वहाँ पर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, बट उसके बाद भी मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। मैं लोगों के दरमियान खड़ा रहा, मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया, मेरे वालिद साहब ने किया। बट इंडिविजुअली लाया, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, मैं फिर दोबारा ये समझता हूँ कि हमें कोविड का ख्याल करना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय, लेट मी रिपीट इट अगेन। और जिस वजह से ये ट्रिगर कर गई, वो शायद इस वजह से क्योंकि इमरान खान साहब भी जलसे कर रहे थे। जब एक मुल्क के वज़ीर आज़म जलसे कर रहे हैं तो फिर अपोजिशन भी कहीं नहीं रह सकते। इस बात में कितनी सच्चाई है कि नून लीग में दो ग्रुप हैं, एक नवाज शरीफ और मरियम नवाज और दूसरा शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान? ये सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आपकी और आपके वालिद साहब की, या आपके भाइयों की, या आपके कज़न्स की, हर एक चीज़ पे एग्रीमेंट तो नहीं होता होगा, इख्तलाफ राय तो होता होगा। बिल्कुल, दैट इज़ ओनली नेचुरल। इसमें कोई, मैं ये समझता हूँ कि चौधरी निसार साहब बहुत समझदार सियासतदान है। शहबाज शरीफ साहब ने जो पंजाब के लिए काम किया, मुझे टाइम मिला, मैंने लोकल गवर्नमेंट्स में जब थे हम उनके साथ काम किया, तो इज़ विजनरी, इज़ ए लेजेंड। बट जो बयानिया मियाँ नवाज शरीफ साहब का है और जो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं, वो सिर्फ ये कह रही हैं कि मुल्क में 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस पे चारों सूबों की हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने साइन करके हमें आइन दिया था, उसे फॉलो किया जाए। लॉन में चहलकदमी करते हुए पेशावरी कहवा से लुत्फंदोज हुए। फार्म से निकलते हुए अंडर 16 फुटबॉल टीम के खिलाड़ी से मुलाकात हुई और हौसला अफजाई के लिए इनामी रकम का ऐलान किया। फूल नगर में मौजूद रफीक मैरिज हॉल पहुंचे। साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली और MPA राणा इकबाल खान से मुलाकात हुई। बगियाना गांव की तरफ रवाना हुए। सैयद अल्ताफ शाह के भाई सैयद आबद शाह फॉरेस्ट ऑफिसर के इंतकाल पर फातह खानी की और इजहार ताजियत किया। राणा साहब, आपने अपनी अमली जिंदगी का आगाज कब किया? मैं सर 2009 में कनाडा से अपनी अंडर ग्रेजुएशन करके पाकिस्तान आया और फिर तब से लकीली और अनलकीली प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होगी और 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह।
आपने शादी लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज की। यानी इसमें आपकी अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं थी? जी नहीं, मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मेरी हाँ हो गई थी। बट ये है कि ज़रूर इनके वो मेरी फैमिली में ही हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक अच्छी चॉइस की और मैं बड़ी अच्छी और खुश ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आपका पसंदीदा मशगला कौन सा है? मुझे स्पोर्ट्स से बड़ा प्यार है, फोटोग्राफी से बड़ा प्यार है और हर किस्म की स्पोर्ट्स। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कॉलेज टीम में कैप्टन था एचसन में और सारी स्पोर्ट्स टीम का मेंबर था मैं। मेरे कॉलेज कॉलेज हैं अभी तक वहाँ पे, तो मेरा ख्याल है कि मुझे स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा लगाव है। इसमें हॉर्स राइडिंग भी शामिल है, स्विमिंग, एथलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट, मोस्टली आउटडोर। आपने सियासत में कदम अपनी मर्जी से रखा या वालिद की ख्वाहिश से रखा? जी मैं सबसे पहले तो मैं हर दोस्त को ये कहता हूँ कि देखें, एक पॉलिटिशियन जो है ना, उसकी ज़िंदगी के अंदर जिस तरह एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक जर्नलिस्ट का बेटा जर्नलिस्ट बन सकता है, एक लॉयर का बेटा लॉयर बन सकता है, तो ये एक बड़ा बेसिक राइट है कि एक बंदे ने जब शुरू से, और मुझे अपने वालिद साहब से बड़ा प्यार है, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि एक वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी के पोलिटिकल करियर में पहले एक सीट से इलेक्शन लड़ना शुरू किया, इंडिपेंडेंट अल्हम्दुलिल्लाह जीते बगैर किसी पार्टी के शनाख्त के, और फिर उन्होंने मेरे छोटे चचा भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा एग्जीक्यूटिव एमएन ने, और फिर लोकल गवर्नमेंट से लेके उन्होंने ज़िंदगी में हर वो जंग लड़ी। तो मैं कम्प्लीटली इस आइडिया के ख़िलाफ़ था पर्सनली, और मैं बड़ा परेशान था। मैंने जब मैं कैनेडा में था तो मैंने वहाँ पर नैंडोज़ की फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई किया और अप्रूव होगी, मैंने अपने वालिद साहब को बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पहले 12 साल बोर्डिंग में रहे हो, फिर 4 साल यूनिवर्सिटी में, तो 2-4 महीने मेरे पास आके रहो। बस फिर मैं यहाँ पे आया और जब मैंने चीज़ें देखी तो एक साल मैं काफ़ी परेशान रहा। फिर मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से एक दो मुलाकात हुई, एक दो और दोस्तों से हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार शायद ये तुमने अपने लिए प्रोफेशन चूज़ नहीं किया, बट हो सकता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए प्रोफेशन चूज़ किया। आपका वाक्या काफ़ी मशहूर है। तो मैंने फिर जब मैं देखता था कि आप अगर इंसानियत भी ह्यूमैनिटी इज नंबर वन, अगर आप किसी की मदद कर सकते, मैं सोचता था अगर मेरी जगह कोई और हो और वो शायद उस तरीके से मदद ना कर सके तो अल्लाह ताला भी मेरे पे नाराज़ हों कि तुम्हें एक मौका दिया। तो फिर देन आई एक्सेप्टेड इट, फिर उसके बाद मैंने सारे प्लान्स पोस्टपोन कर दिए और फिर अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ मौका दिया फिर मैंने मिलके, और ये बर्डन भी था ये समझते हुए कि अगर कसूर के लोग पिछले 60-70 साल से आपकी फैमिली को ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपने उन्हें रीपे भी तो करना है ना। फूलनगर डेरा पर आए जहां इलाकाई लोगों की एक बड़ी तादाद उनसे मुलाकात के लिए बैठी थी। डेरा पर फूलनगर के मुकामी खिलाड़ी भी आए हुए थे जिन्होंने भरपूर जिम्नास्टिक का मुजाहिरा किया। पुर तकल्लुफ डिनर का एहतमाम था।